भीलवाड़ा के मंडालबाद में गुरुवार शाम को दो बच्चों की बांध में डूबने से मौत हो गई। बच्चे दोपहर से पहले घर से बांध में स्नान करने का कहकर निकले थे। शाम तक जब दोनों घर नहीं लौटे तो परिजन उन्हें ढूंढने के लिए बांध पर गए, जहां बच्चों के कपड़े तो पड़े थे लेकिन बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे थे, जिसके बाद परिजनों ने बिजौलिया थाना पुलिस और ग्रामीणों को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सिविल डिफेंस की टीम की मदद से करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों बच्चों के शव को बाहर निकाल लिए। बिजौलिया थाना प्रभारी सुरेश चौधरी ने बताया कि मंडाल कस्बे के रहने वाले 13 वर्षीय किशन और 15 वर्षीय दीपेंद्र की बांध में डूबने से मौत हो गई थी। जांच में सामने आया कि बच्चे स्नान करने के लिए बांध में उतरे थे और बांध में चट्टानों के बीच फंस जाने से दोनों डूब गए, जिनकी मौत हो गई। शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि किशन और दीपेंद्र दोनों ही दोस्त थे, दोनों ही 9th क्लास के स्टूडेंट थे। शुक्रवार को स्कूल खुलने वाली थी, इसे लेकर दोनों ने अपनी तैयारियां भी कर रखी थी। परिजन अब उन बच्चों के स्कूल बैग और कपड़े देखकर बेलख रहे हैं।